हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो कल के वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसके पहले वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। और ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जो मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपके फीडबैक्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब मैं TCH में से स्टेपिंग में आ गई, तो उसके बाद में मेरी लाइफ में कंप्लीट न्यू फेज, एक चेंजिंग फेज आया। सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे मैं मिली थी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल डिप्रू सर से, और जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स, कि सरोनी यू आर इंट्रोवर्ट, यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू स्पीक अप। मैं जब रिज़ल्ट लेने गई ना, 12th का रिज़ल्ट हो गया था उसके बाद में, मैं लिटरली, मुझे सर के ऑफिस में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। डर यानी एक अलग फीलिंग होती है, वो एक फियर टाइप होता है कि जाना है, एक अलग एक आपके मन में एक फीलिंग होती है वैसी। तो बट पता नहीं, जब मैं रिज़ल्ट लेने के बाद, जब मैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे एक स्टेपिंग स्टोन्स का पूरा मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा उस वीडियो को। तो वो वीडियो बनाने के लिए जब मैं स्कूल में गई थी, उस वक्त मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी स्कूल से कलेक्ट करने थे, तो मेरी दिल से इच्छा थी यार कुछ भी हो, मुझे ना प्रिंसिपल से तो भी मिलना है, बाकी टीचर्स से तो मिलना ही था, बट अनलकीली मैं नहीं मिल पाई वो टीचर्स से। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल सर से मैं मिली ज़रूर, उनके ऑफिस में मैं बैठी, उनके साथ हम लोगों का बहुत लंबा अच्छा आधे पौने घंटे का हम लोगों का डिस्कशन हुआ करियर को लेके, नॉट इवन करियर बट अबाउट सोशल स्टैट्यूज, काबूज, एवरीथिंग। हमें इतने, जैसे मुझे मेरे पापा भी थे तब, उनके साथ बात की, बहुत अच्छा लगा। वो भी इस कहीं ना कहीं मेरे मेमोरी में, लाइफ लॉन्ग मेमोरी में यू नो कलेक्ट हो गई वो चीज़ें। बट अगर आज मैं, जब भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे बहुत कहीं ना कहीं सर की वो बातें मुझे बहुत दिमाग में आती है मेरे, और मुझे लगता है हाँ, अगर कोई चीज़ हुआ है आप में एक वीकनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप उसको समझते हो और उस पर काम करते हो तो अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और YouTube को भी मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि घर पे मैं शायद इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलती हूँ, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स वो भी बोलते हैं कि सर उन्हें इतना बोलती है यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, घर पे या ऑफ स्टेज अगर आप ऑफ कैमरा देखोगे देखोगे तो शायद मैं इससे काफ़ी अलग हूँ। तो जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो ये चीज़ को समझ गए होंगे। जब हम लोग 11th 12th में होते थे ना, तो हम लोगों का हफ्ते में हर एक दिन जो होता है एक वैल्यू एजुकेशन क्लास होता था, जो सर प्रिंसिपल सर खुद ही लेते थे। उसमें वो बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ बोलते थे, वीडियोस बताते थे, उनके लाइफ रिलेटेड कुछ टॉक्स होते थे, वो हम लोग के साथ शेयर करते थे, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो हम, मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग हमेशा लंच साथ में करते, हम अलग अलग स्ट्रीम से थे बट हम लोग लंच हमेशा साथ में करते थे। तो हर दिन जिस दिन वैल्यू एजुकेशन लेक्चर नहीं होता था ना, उसके बाद हम लोग लंच कर रहे थे, हम पूरे दिन की बड़बड़ कर ये कर वो कर करते थे। बट जब वैल्यू एजुकेशन का लेक्चर होता था, उसके बाद हम कुछ बड़बड़ नहीं करते, मतलब हम अपने आप में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टाइप करते थे, मतलब हम एकदम ऐसे खाते थे, लंच करते थे, सब होता था हमारा। बट हमारे विषय जो रेगुलरली टॉक होता था वैसा नहीं होता था बात। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मेरी लाइफ में और हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, जिनको वो वैल्यू एजुकेशन क्लासेस का एक्सपीरियंस मिला है, वो लोग मेरे बात से कितने सहमत है मैं नहीं जानती। बट हाँ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहा है। और सर के अलावा एक और, जैसे मुझे TCH के जो अनीता मैम है, उन्हीं का रोल स्टेपिंग में लिया था वहाँ के कोऑर्डिनेटर रूपाली मैम ने। ऐसे तो रूपाली ने हमें सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट हर बार जब भी मैम आते थे ना, उनका मतलब उनकी अलग ही एनर्जी होती थी, उसको देख के मैं एनर्जाइज होती थी। मैम कितना काम करते हैं, मैम कोऑर्डिनेटर है, मैम स्कूल को संभालते हैं, मैम पढ़ाते भी है, मैम टीचिंग करते हैं, मैम ऑफिशियली कितना काम संभालते हैं। तो इतना मुझे इंस्पिरेशन मिलता था ना उनसे काम के लिए, मुझे भी मतलब आज भी कभी कभी मैं ऐसे फील करती ना कि मुझे कितनी पढ़ाई है, कितना ये होता है, तो मुझे ये चीज़ें याद आती है। मैं तो इतना ही कर रही हूँ, बाकी लोग कितना कुछ करते हैं, तो मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी। तो मैम ने भी मुझे बहुत, आज भी मैम मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जब भी मैं मतलब ऐसे तो मेरा ज़्यादा उनसे अभी कोरोना के बाद और 12th खत्म होने के बाद इतना पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बट जब भी मैं व्हाट्सएप पे कुछ ये करती हूँ, जब मैंने स्कूल का वीडियो बनाया था तो मैंने उनके साथ शेयर किया था, उस पर मैम ने मुझे फीडबैक दिया था। तो आई रियली विश, जब मैं स्कूल गई थी ना क्लास वीडियो के लिए और मिलने के लास्ट टाइम,
तो मैं वहाँ पे मैंने हर एक टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया सबका एक एक करके नाम लिया था कि आज कोई तो टीचर मिले मुझे, बट उस वक्त शायद मेरे नसीब में नहीं था या मेरा लक नहीं था, मुझे वहाँ पे कोई टीचर्स मिले नहीं, सिर्फ सभा में मिली। तो उन लोगों को तो आप लोग मिल चुके हो मेरी वीडियो में, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो। वैसे तो मैं साइड में बता दूँगी मैम जो है तो सलोनी, आई वुड लाइक टू से शी इज़ अ वेरी सिंसियर एंड वेरी गुड गर्ल एंड शी नीड्स टू गेट हेल्दी। बाय, टेक केयर, बाय मैम, बाय। ऐसे तो मुझे पढ़ाया नहीं, मतलब ऐसे वो कोई एकेडमिक के लिए मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, बट हाँ मोटिवेशन के लिए तो हर एक टीचर रेडी रहते थे स्कूल में, फिर वो चाहे TCH हो चाहे स्टेपिंग हो। स्टेपिंग में हमारे 2 साल ही मेरे निकले हैं, तो ऑब्वियसली TCH का जितना टाइम पीरियड था उससे 50% से भी कम का जो है ना यहाँ पे एक्सपीरियंस है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी मेमोरीज जो है वो यहाँ पे इतनी TCH से 50% या उससे भी कम की है, बट जो भी है बहुत स्पेशल है, वो आज मैं फील कर पाती हूँ। कभी कभी मेरे घर के पास से ही बसेस जाती है ना स्कूल की, जब मैं हॉलीडे में मतलब स्कूल में ही जाती थी, हॉलीडे पर घर पर रहती थी, तो वो भी मुझे बसेस देख के मुझे एक फीलिंग आती थी मैं स्कूल जाके आ गई वो बसेस देख कर। आज भी जब मैं बसेस देखती ना मुझे ऐसा लगता है यार मुझे एक बार वापस चांस चाहिए कि मैं वापस वो बस से जैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, वैसे ही पढ़ाई करो। काश वैसा एक दिन और रिक्रिएट हो। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे की चीज़ें छोड़नी पड़ती है। बहुत लगता है मन में और 1-2 साल बाकी है फिर करियर बन जाएगा, फिर स्टडीज हो जाएगी, पर उसके साथ साथ ये जो चीज़ें छूट जाती है ना पीछे की, वो चीज़ें हमेशा यादों के इसमें हर दिन आगे आती रहती है। जैसे आज का दिन है टीचर्स डे का, अगर कोरोना नहीं होता, स्कूल में होते थे हम लोग, तो फिर तो पर्सनली जाके हर टीचर को विश करना, बात करना, उस छोटे से 1 सेकंड की बात में भी अपना अलग मज़ा होता है। और पर्टिकुलरली जब टीचर्स डे का दिन हो तो उसका अलग मज़ा होता है, गुरु पूर्णिमा का दिन हो तो उसका स्पेशल एक फीलिंग आती है। उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही अलग अंदर से एक मोटिवेशनल मिलता है टीचर्स के साथ, मतलब यू नो उनको विश करना, उनके ब्लेसिंग्स लेना। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि टीचर्स लोग कि मुझे ब्लेसिंग्स दो आप लोग, कि मैं करियर मेरा आगे अच्छा चलता रहे। और जैसे 11th 12th के ऑलमोस्ट मेरे सारे टीचर्स सेम थे, मेरे क्लास 12th के क्लास टीचर कैलाश सर, उनके पास मैं ट्यूशन के लिए भी जाती थी, और इतने सारे मैंने उनको डाउट्स पूछे हैं ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। वैसे तो मतलब मैं बोलती हूँ आपको, मैं मेरी फ्रेंड एक दो फ्रेंड्स हम लोगों का एक ग्रुप रहता था, तो हम लोग स्कूल में भी जैसे ही टाइम मिलता था ना डाउट्स से हम लोगों को डाउट्स क्लियर करने, ट्यूशन में हम लोगों को जैसे टाइम मिलता था बस डाउट्स से पूरा दिन हम लोगों का सिर्फ एक ही चलता था, डाउट्स है हमको डाउट्स सॉल्व करना। और डाउट्स सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के आते थे, एक होता था मैथ्स का, दूसरा होता था अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स के लिए तो मैम थे क्लियर करने के लिए, और मैथ्स के लिए सर थे। तो हम लोगों ने पूरे साल में मुझे लगता है 100-150 डाउट्स हम लोगों ने ईजिली क्लियर किए हैं, और उसके अलावा कुछ डाउट्स जो पेंडिंग है एग्ज़ाम होने के बाद भी। बट हाँ डेफिनेटली ये एक मेमोरी है मेरी। उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या बोलूँ, अभी मैं बोलती जा रही हूँ, फिर मेरे मतलब अलग ही मेमोरीज आती जा रही है, बहुत सारे टीचर्स का है, बहुत कुछ है। बट एक और टीचर से, वैसे तो शोभना मैम है, लक्ष्मी मैम है स्कूल के, तो सबको मैं बहुत मिस करती हूँ रियली। सभी टीचर्स को मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है काश जल्दी से कोरोना चला जाए, वापस से स्कूल शुरू होगा, तो मैं डेफिनेटली एक बार सबसे मिलने आऊँगी, फ़ोटोशूट करने आऊँगी, क्योंकि TCH में जैसे साथ फ़ोटो किया है, क्लिक किया है, स्टेपिंग में मैंने वैसा नहीं किया है, नहीं कर पाई हूँ। मुझे लगा था कि रिजल्ट के बाद अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली फ़ोटोशूट करूँगी। जब मैं स्कूल में आई थी तो मुझे लगा था मैं प्रिंसिपल सर के साथ एक फ़ोटो क्लिक करूँगी, बट मैं वीडियो बनाने में इतनी ये हो गई थी बिजी कि मेरे दिमाग में रहा ही नहीं। मैं घर पर आई तो मेरी मम्मी ने बोला मुझे बता फोटोज, तब मुझे भी याद आया कि मुझे सर के साथ फ़ोटो क्लिक करना तो रह गया। तो डेफिनेटली मैं स्कूल में फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो आऊँगी श्योरली। और स्कूल में ना किसको नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस आ जाए स्कूल में। सो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा आज, बट क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कहा था वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। सो कोरोना के सिचुएशन में एक और चीज़ है, मैंने 2 टीचर्स है स्टेपिंग्स के जो नहीं है अभी फ़िलहाल, तो एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे महेश सर, आई रियली मिस सर, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना जैसे मुझे एकेडमिक्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे स्टेपिंग स्टोन से आया है, और सिर्फ एकेडमिक्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं बट रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ना, हर चीज़ को मैनेज करना,
ये चीज़ें मैंने स्टेपिंग स्टोन से सीखी है। जैसे हर एक चीज़ से मैंने, हर एक जगह से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। हर एक टीचर बोलो, फ्रेंड्स बोलो, मैं ट्राई करती हूँ कि किसी से कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखती रहूँ। तो वैसे कंसिस्टेंटली किस तरह काम करना है, हार्डवर्क करना है, किस तरह से आपको आपकी स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है। अभी हम लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है एग्जाम स्टडीज, उसके बाद फ्यूचर में शायद कुछ और हो, तो उस चीज़ों को कैसे प्लान करना है, ये सब चीज़ें मैंने स्टेपिंग में सीखी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ABCD, मैंने TCH में अगर मैंने ABCD या वर्ड्स वगैरह सीखे हैं तो उसको राइट सेंटेंस में डाल के, राइट जगह पर डाल के एक स्टेटमेंट कैसा बनाना है, वो मैंने स्टेपिंग स्टोन्स में सीखा है। सो ये था मेरा वीडियो। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इससे क्या कुछ पॉजिटिवली मिला होगा, नेगेटिवली मिला होगा, क्या है मैं नहीं जानती, बट मुझे, मेरे मन में कुछ फीलिंग्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी हर टीचर्स के। इसमें एक और मैम है, मैं जिनको भूल गई मुझे अभी, जस्ट क्योंकि मैंने इसको प्लान नहीं किया है, जैसा मेरे मन में आ रहा है मैं वैसा वीडियो शूट कर रही हूँ। वो है मेरे अकाउंट्स की ट्यूशन मैम, शीतल मैम। मैं शीतल मैम के बारे में तो बोले बिना ये वीडियो एंड ही नहीं कर सकती हूँ। ये मैम औरंगाबाद में नहीं रहते हैं, वो जालना में रहते थे, बट मेरे साथ और दो चार लोगों का ग्रुप था, तो ट्यूशन के लिए सिर्फ जालना से औरंगाबाद, औरंगाबाद से जालना का डेली उनका ऑन ऑफ रहता था। हम लोग उनको कहते थे मैम कल टेस्ट है, भले ही वो टेस्ट 10 मार्क के, वो बोलते थे तुरंत आधे घंटे में मैं आ रही हूँ, तुम लोग तैयारी करके रखना ट्यूशन में। और उस दिन 10 मार्क के टेस्ट के लिए वो 4 घंटे की ट्यूशन लेते थे और फिर रात में 8-9 बजे जालना जाते थे, तो कितना ऑन ऑफ करते थे। उनके बहुत एफर्ट्स है। आप अभी भी, जब मैंने 12th क्लियर किया था, जब मेरा रिजल्ट का दिन था ना, तो मेरे फ़ोन पर सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं हमेशा पढ़ाई करती थी, डेली उसके साथ ही मेरी पढ़ाई होती थी, शुक्रिया, वो और मैम दोनों का ही कॉल कंटिन्यूसली मेरे फ़ोन पर रहता। एक तरफ से फ़ोन पर उनका कॉन्टैक्ट कॉल रहता था, दूसरी तरफ मैं रिजल्ट चेक कर रही थी। और जब मैंने फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर किया, इंटर के लिए एडमिशन लिया, इसके बीच में भी टाइम था, मैंने शीतल मैम से कॉन्टैक्ट किया। और अब इंटर के जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं वापस मैम से कॉन्टैक्ट करूँगी। तो वो भी है जो बहुत मोटिवेटिंग है मेरे लिए। तो ऐसे मैं बोलती हूँ सिर्फ मेरी लाइफ में, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं हर टीचर ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया है और कोशिश करूँगी आगे जाके कि मैं एज अ CA, मैं भी तो CA की पढ़ाई कर रही हूँ, वो जल्दी से क्लियर कर लूँ, एग्ज़ाम्स क्लियर करूँ, कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में करूँ, जो कुछ भी उन्होंने सिखाया वो कहीं बेस्ट ना हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली वीडियो बनाते वक्त ये चीज़ को बोलने के लिए जो बहुत हंसी आ रही है, बट उतना ही ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते गुरु पूर्णिमा के दिन और टीचर्स के दिन की मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, तो हम कहते हैं टीचर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड मदर, बट मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर। तो मेरे लिए भी मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट आप ये जो टिकटॉक निशा देखते हो, टिकटॉक निशा का आइडिया क्रिएशन बैकग्राउंड, इसका मैं बोलती हूँ पूरा डायरेक्शन जो करता है ना, ये टिकटॉक निशा के 2-3 मिनट का या 10-15 मिनट की वीडियो का, वो सब होता है मेरी मम्मी का। क्योंकि मैं पढ़ाई के इसमें इतना मैं उसी में रहती हूँ, तो ये क्या वीडियो है, कब क्या बनाना है, कैसे करना है, जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो घर की चीज़ें बनाती हूँ, वो सब मेरी मम्मी का क्रिएशन होता है। मेरी मम्मी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो यूट्यूब का टिकटॉक निशा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके पीछे का कम्प्लीट माइंड सेट मेरी मम्मी का है। तो उसके पीछे की एक अलग स्टोरी है कि कौन है टिकटॉक निशा, क्योंकि मैं टिकटॉक निशा नहीं हूँ ना, मैं निशा हूँ, मैं हूँ सलोनी। वो क्या कनेक्शन है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये अलग वीडियो है, वो अलग वीडियो होगा। थैंक्स टू माय मम्मी ऑल्सो, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कोई भी नई चीज़ होती है ना, मम्मी बोलती हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी उस चीज़ के लिए एक्साइटेड होती है। आज ये वीडियो के लिए मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी एक्साइटेड है। मैं ये वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग जब ये वीडियो देखोगे, वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करते हैं पढ़ाई से टाइम निकालकर यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोगों में से जो भी वीडियोस देख रहा है, प्लीज़ आपके कहीं पे भी कोई भी फीलिंग्स हो गए या फीडबैक होगा या कुछ भी आप लोगों को शेयर करना होगा ना, तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा शेयर आप लोग मेरे साथ, क्योंकि फिर मैं जब ये वीडियो देखूंगी आगे जाके, तो जो कुछ भी ये टीचर्स डे का जो स्पेशल मेमोरी रहेगा वो यही चैनल पर, यही पेज पर, यही वीडियो पर रहेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट,
डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. पूरे वर्ल्ड में जितने भी टीचर्स हैं, कोने कोने से, घर गांव से सभी टीचर्स को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड मैनी मोर टीचर्स डे टू कम, मैनी मोर सेलिब्रेशंस टू कम. बट फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड. सो बाय ऑल ऑफ यू.